التكبير نعم تكبير الأذان الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرتے رہو صبر اور صلات کے ساتھ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے پہلی آیت کے ترجمے میں لفظ اللہ سے بریکٹ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ الفاظ میں ظاہر نہیں ہے اس لیے اس کو ترجمے میں بریکٹ میں ہی رکھا ہوا ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ الفاظ میں ظاہر بھی ہے شہداء کے ذکر پر مشتمل یہ میرا آخری خطبہ ہے جس کے بعد انشاءاللہ دوسرے خطبات کے مضمون شروع ہوں گے جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کیا تھا اب خطبات میں مزید یہ ذکر نہیں ہو سکتا
वरना बाज़ दोस्तों की तरफ से मुतालबे आते चले जा रहे हैं जो मालूम होता है कि ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। इसलिए आज इस जलसे से पहले इंशाल्लाह इस खुतबे में जितने भी शहदा का जिक्र आएगा उसी पर इक्तफा होगी, और बाकी अगर किसी के जहन में कोई ऐसे शहदा आएँ जो उनके ख्याल में शहदा में शरीक होने चाहिए तो उनको चाहिए कि वो तारीख़ अहमदियत में वो गवाह भिजवा दें, वो खुद ही फैसला कर लिया करेंगे। खिलाफत राबिया के शहदा आखिरी पेश। मौलवी सैयद मोहम्मद मूसा साहेब मुबल्लिग सिलसिला उड़ीसा, तारीख़ शहादत 3 दिसंबर 1974। आप 3 दिसंबर 1974 को दो दीगर खादिमान सिलसिला के साथ चंदा जात की तहरीक के सिलसिले में सफ़र पर थे कि रेलवे लाइन अबूर करते हुए रेलगाड़ी के नीचे आकर मौके पर ही शहीद हो गए। शहीद मरहूम एक लंबा अरसा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात कैरंग उड़ीसा के मुबल्लिग रहे। एक मरतबा गाँव के घास फूस के मकानात में आग भड़क उठी तो आपकी दुआ से गैर मुतवक्का बारिश फौरन शुरू हो गई जिससे आग बुझ गई। शहीद मरहूम मुकर्रम सैयद हसन अली साहेब सोंगड़ीवी के छोटे बेटे थे। आपके 3 बड़े भाई जमात अहमदिया भद्रक सोरो और कटक के सदर रहे हैं या सदर हैं। आपकी कोई औलाद नहीं थी, पसमानदगान में सिर्फ बेवा छोड़ी। अब्दुल मजीद साहेब रब्बा, आप मुकर्रम अब्दुल करीम साहेब के बेटे थे जो कादियान में नलका साजी का काम करते थे और रब्बा की भी इब्तदाई नलका साजों में से थे। लेकिन किस तरह अल्लाह ताला ने आपको बरकत दी और आपकी जो खिदमत का जज्बा था आपके काम आया। 1943 में अब्दुल मजीद साहेब गुरदासपुर में पैदा हुए। खिदमत खल्क तहरीक के तहत 25 जनवरी 1994 को गाना में नलके लगाने के प्रोग्राम पर भिजवाए गए जहां आपने 1 साल तक खिदमात वक्त की। वापसी के सफ़र पर नैरोबी क़याम के दौरान बीमार हो गए और उसी बीमारी में बदन से पहुंचने से पहले दिसंबर 1994 में वफात पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तदफीन के लिए आपकी मैयत रब्बा ले जाई गई। एटीएम हक साहेब शहीद और मुस्तफ़ा अली साहेब उर्फ नन्नू मियाँ शहीद बांग्लादेश, तारीख़ शहादत 21 मई 1995। 21 मई 1995 की रात को मुकर्रम नेशनल अमीर साहेब बांग्लादेश की हदायत पर मुकर्रम एटीएम हक साहेब नायब नेशनल अमीर की सरबराही में एक वफद बाज जमाती उमूर सर अंजाम देने के लिए अहमदनगर भिजवाया गया। इस वफद में उनके साथ मुकर्रम अब्दुल अव्वल खान साहेब मरबी सिलसिला, मुकर्रम मजालुल करीम साहेब सेक्रेटरी वसाया, मुकर्रम मीर बशीरुद्दीन महमूद साहेब, मीर सदाकत अली साहेब और ड्राइवर मुकर्रम मुस्तफ़ा अली साहेब नन्नू भी शामिल थे। सुबह 11 बजे उनकी गाड़ी फेरी के ज़रिए दरिया जमुना पार करके नगरबाड़ी घाट पर उतरी और आगे का सफ़र शुरू किया, मगर दोपहर 12:20 पर रायगंज थाना के करीब मेन रोड पर एक ट्रक से टकरा गई जिसके नतीजे में मुकर्रम एटीएम हक साहेब तो मौके पर ही दम तोड़ गए जबकि कार के ड्राइवर मुकर्रम मुस्तफ़ा अली नन्नू साहेब बोगड़ा अस्पताल पहुंचते हुए रास्ते में वफात पा गए। मुकर्रम एटीएम हक साहेब बहुत ही नेक और मुखलिस अहमदी थे। ये पहले पीर परस्त और ख़बर परस्त मुसलमान थे। 1960 के करीब ख़ुद अहमदियत कबूल की। मरीज़ होने के बावजूद ये जमात के कामों में तकरीबन रोज़ाना हाजिर हुआ करते थे। बहुत ही साफ गो नफासत पसंद खुशपोश बुजुर्ग थे। वक्त शहादत उम्र 75 साल थी। शहीद मरहूम ने अपने पीछे 3 बेटे और 4 बेटियां छोड़ी। तीनों बेटे माशाल्लाह नहायत मुखलिस और फिदाई अहमदी हैं। शहीद मुस्तफ़ा अली नन्नू साहब भी बड़े नरम मिजाज और बाखलाक नौजवान थे।
मुकर्रम रमीजुद्दीन साहब अहमदनगर के बेटे थे। जमात की गाड़ी चलाने के अलावा टाइपिस्ट काम भी करते थे। आपकी शादी हुए थोड़ा सा हुआ था, कोई बच्चा नहीं हुआ, बस मानगान में सिर्फ एक बेवा छोड़ी। चौधरी अब्दुल रशीद साहब शहीद लाहौर, तारीख शहादत 30 अक्टूबर 1998। आप मौलाना चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम साबिक मुबल्लिग बिलाद अरबिया और मग़रबी अफ्रीका और मोहतरमा फजल बीबी साहब मरहूमा के बेटे थे। हैफा फ़लस्तीन में 1941 में पैदा हुए। अभी सिर्फ 2 साल के थे कि वालदा वफात पा गईं। आपकी परवरिश आपकी दूसरी वालदा मोहतरमा हिकमत अब्बास ओहदे साहिबा ने नहायत ही मोहब्बत और खुशखुलकी के साथ की। आप दिसंबर 1955 में अपने वालिद मोहतरम के हमराह पाकिस्तान आए। तालीम इस्लाम कॉलेज रब्बा से बीए और लाहौर कॉलेज से एमए करने के बाद सीएसपी के मुकाबला के इम्तहान में नुमाया कामयाबी हासिल की और पंजाब में बतौर डेप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी मुकर्रर हुए। मुतअस्सिब मौलवी अगरचे आपके खिलाफ शदीद प्रोपेगंडा करते रहे, मगर आपकी ईमानदारी और आला कारकर्दगी की वजह से हुकूमत उनको अलग ना कर सकी, बल्कि आप मज़ीद तरक्की करते रहे। एक मौका पर मनफी सिफारिश के साथ आपका मौला सदर ज़िया तक भी पहुँचा तो आपकी मुलाजमत ख़त्म करने का हुक्म फौरी तौर पर जारी कर दिया गया। मगर जब गवर्नर पंजाब जनरल सवार खान ने आपकी फाइल सदर को भिजवाई कि देख तो लो कि ये कैसा अफसर है, तो उसे देखकर ये नया हुक्म जारी करना पड़ा कि सरे दस्ती से किसी और जगह तब्दील कर दिया जाए। आप रिफाही कामों में दिल खोल कर हिस्सा लेते थे और बुज़ुर्ग बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए आप हमेशा सदाकत पर कायम रहे। 30 अक्टूबर 1998 की शाम को बाज़ कातिलों ने आपको अहमदियत की तबलीग के जुर्म में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शादी मोहतरम अलहाज डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब की साहबजादी नाजी सईद साहिबा से हुई थी, जो लजना हिमायल्ला लाहौर की एक फ़ाल कारकुना हैं। आपने अपने पीछे बेवा के अलावा एक बेटा अब्दुल अज़ीज़ और 2 बेटियाँ फौजिया रशीद और शहबा रशीद छोड़े। बेटा कालीनों का कारोबार करता है। दोनों बेटियां आला तालीम याफ्ता और अपने घरों में खुश हैं। आपके छोटे भाई बशीर शरीफ इंग्लिस्तान में हर जमाती खिदमत में पेश पे रहते हैं और अल्लाह के फजल से एक मिसाली आदमी हैं। मलक एजाज साहिब शहीद वज़ीराबाद, तारीख़ शहादत 1 दिसंबर 1998। आप मुकर्रम अनायतुल्ला साहिब मरहूम ढूँ के तहसील वज़ीराबाद के साहबजादा थे और एक निडर दाई अल्लाह थे। आपकी दावत अल्लाह के नतीजे में ही जंडियाला ढाबवाला में एक ख़ानदान के जुमला अफराद को बैत करने की तौफीक मिली, जिससे कबल इस गांव में कोई अहमदी ना था। अपनों और गैरों में आपका हलका बड़ा वसी था। डॉक्टर नज़ीर अहमद साहिब शहीद के मुकदमा में मुजरिमों को गिरफ्तार करवाने में आपने बड़ी कोशिश की, इसीलिए मुखालफीन आपके जानी दुश्मन हो गए। वाक़िया शहादत 1 दिसंबर 1998 को आप वज़ीराबाद में अपनी सीमेंट एजेंसी में बैठे हुए थे कि सुबह 10 बजे के करीब एक लड़का जिसने चादर लपेट रखी थी आया और पूछा कि मलक एजाज कौन है। मलक एजाज साहब के साथ आपके दोस्त बैठे हुए थे। आपने पूछा क्यों, क्या बात है। मैं मलक एजाज हूँ। ये सुनते ही उस लड़के ने अपनी चादर के नीचे से लोड किया हुआ रिवॉल्वर निकाला और आप पर फायर कर दिया। मलक साहब को 2 गोलियां लगीं जिनसे आप शदीद ज़ख्मी हो गए। फायर करने के बाद वो लड़का फरार होने के लिए करीबी गली की तरफ दौड़ा, मगर मलक साहब के एक दोस्त और मुलाजिम ने अहले मोहल्ला के तावन से उसे पकड़ कर हवाला पुलिस कर दिया। आपके दूसरे दोस्त आपको टांगा में डालकर सिविल अस्पताल ले गए, जहाँ इब्तदाई तबी इमदाद दी गई। अभी ऑपरेशन थिएटर में ले जाने की तैयारी हो रही थी कि मौला के करीम की तरफ से बुलावा आ गया और आप लबैक कहते हुए मौला हकीकी से जा मिले। इन्नलिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद मरहूम की अपनी कोई औलाद नहीं थी,
आप पसमानगान में बेवा के अलावा अपनी एक ज़ेर कफ़ारत बच्ची छोड़ी जो इन दिनों मेडिकल कॉलेज की तालिबा हैं। मुबारका बेगम साहिबा अहलिया मोहम्मद कलीम भट साहिब चविंडा सियालकोट। आप चविंडा के एक मुखलिस अहमदी मुकर्रम मियां मोहम्मद अब्दुल्ला साहिब भट की बेटी थीं। दावत अल्लाह का काम बड़े जोश और जज्बे से करती थीं। चुनांचे आपकी कोशिशों से चविंडे के नवाही गांव डोगरा वाली में दो बहन भाई फरवरी 1999 में अहमदी हो गए। चूँकि उस गांव में और कोई अहमदी न था इसलिए दोनों नौमुबाइन को काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। आपने दोनों का बहुत ख्याल रखा और हर मुश्किल में उन्हें हौसला और तसल्ली देती रहीं। इस मकसद की खातिर आप उनके गांव चली जाती थीं। आखिरी बार 1 मई 1999 को वहां गईं ताकि उनके वालिद को ज़ियारत मरकज के लिए रब्बा ले जाने का प्रोग्राम बनाएं। नौमुबाए आबिद हुसैन अपने किसी काम की गरज से सियालकोट गए हुए थे लिहाजा उनकी वापसी का इंतज़ार करते करते देर हो गई और फिर कोई सवारी न मिलने की वजह से आपको डोगरा वाली में ही रात ठहरना पड़ा। नौमुबाइन का एक सोतेला भाई रिफाकत हुसैन जो मुजरिमाना ज़हनियत का मालिक और मुनशियात और चोरी वगैरह के कई मुकदमात में मुलव्वस है घर में अहमदियत फैलाने की ज़िम्मेदार मुबारका बेगम को समझता था लिहाजा उनका सख्त दुश्मन था। चुनांचे उसने 2 मई 1999 की सुबह आप पर छुरियों के पैदर पै वार करके आपको शदीद ज़ख्मी कर दिया। इसी हालत में अल्लामा इकबाल अस्पताल सियालकोट पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन किया। बज़ाहिर ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन चंद दिन बाद आपकी हालत बिगड़ने लगी। मियो अस्पताल ले जाया गया जहाँ आप 9 मई 1999 को वफात पा गईं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपके पसमानदगान में आपके खामंद मुकर्रम उमर सलीम साहब के अलावा 3 बेटे 2 बेटियां और वालदा शामिल हैं। एक बेटा साकिब तहरीक वक्फ नौ में शामिल है। तो आखिर पर मैं आसफा बेगम का ज़िक्र करता हूँ क्योंकि बकसरत लोगों के खतूत मिल रहे हैं और मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि आपकी तारीफ के मुताबिक वो भी शहीदों में शामिल थी। मुझे तो जब भी वो याद आती हैं मान ना जाने क्यों जहन पर ये शेर कब्ज़ा कर लेता है मारा दियार गैर में मुझको वतन से दूर रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। वो शर्में रखने वाला जानता है जहाँ तक मुझे यकीन है वो अल्लाह के नज़दीक शहदा में शामिल थी। मेरे शहीद कहने या ना कहने से भी उनका मकाम मेरे अल्लाह के हजूर वही रहेगा जो मुकद्दर हो चुका है। अल्लाह उन्हें बड़ी करामत फरमाए। बस ये आखिरी जिक्र है खुतबात में शहदा का। इसके बाद ये सिलसिला जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है अब बंद कर दिया जाएगा।